तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं लीनियर ब्लॉक कोड का, दैट इज सिंपल पैरिटी चेक कोड। तो सिंपल पैरिटी चेक कोड में क्या होता है, नाम से समझ लो बहुत सिंपल है। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ये एग्जांपल है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, जितने भी हमने अभी तक एरर डिटेक्शन जब से स्टार्ट करी है यही एग्जांपल मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। तो इसे ये कैसे बनाया है वो लॉजिक मैं अब आपको सिखाऊंगा, दैट इज सिंपल पैरिटी चेक कोड। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डेटा वर्ड हम मानते हैं 2 बिट का है। अगर आपको ये सब नहीं पता डेटा वर्ड कोड वर्ड ये सब क्या होता है, तो प्लीज मेरा लॉजिक फॉर एरर डिटेक्शन ये एक वीडियो मैंने बनाया था, आप उस वीडियो को देखो, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कोड वर्ड क्या है, डेटा वर्ड क्या है एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। तो मैं मानता हूँ डेटा वर्ड मेरे पास 2 बिट का है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 00011011। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हर एक डेटा वर्ड के साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट डालनी होती थी, और हमारे पास कोई कोड वर्ड बनता था तो जो एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट डालनी है ना, हम सिर्फ एक डालेंगे, मल्टीपल बिट्स नहीं डालेंगे, हम सिर्फ एक ही रिडंडेंट बिट डालेंगे, और वो रिडंडेंट बिट या तो स्टार्टिंग में डालूंगा या एंड में डालूंगा, जनरल केस यही चलता है, या तो स्टार्टिंग में या एंड में। तो देखो मैं एंड में डालता हूँ, ठीक है, और हम क्या करेंगे उस रिडंडेंट बिट की वैल्यू क्या भरेंगे, तो वैल्यू डिपेंड करेगी हमारे पास डेटा वर्ड कैसा है। हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड मस्ट बी इवन, मैं चाहता हूं कि नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस एक भी नहीं है, दैट मींस ऑब्वियसली इवन, तो मैं पैरिटी बिट की वैल्यू 0 भर लूंगा। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वंस ऑड है क्योंकि एक वन है, तो मैं यहाँ पे उसको इवन बनाना चाहता हूँ, तो पैरिटी बिट की वैल्यू 1 भर लूंगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 है तो मैं 1 भर लूंगा, और यहाँ पे 2 वंस हैं तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 0 भर लूंगा। तो अगर तो ये हमारे सेट ऑफ कोड वर्ड्स आए हैं, और आप ध्यान से देखो तो यही है वो कोड वर्ड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने लास्ट में पैरिटी बिट डाली है और नंबर ऑफ वंस इवन करने की कोशिश करी है। अच्छा, मैं चाहता तो स्टार्टिंग में भी डाल सकता था, स्टार्टिंग में अगर मैं डालता तो देखो क्या बन के आता, 0 1 1 और 0, आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ वंस इवन बनाने हैं। देखो ये वाला केस बन के आएगा, ठीक है, तो डेटा वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग कोड वर्ड ये वाला केस बनेगा अगर हमने स्टार्टिंग में डाल दी तो, एंड सो ऑन, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अच्छा, तो अब जैसे ऐसे भी समझो हमारे पास कोई डेटा वर्ड्स होते 8-8 बिट के, तो मैं 8-8 बिट के टोटल टेबल तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि 2 पावर 8 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मैं कोई एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, जैसे 1 0 1 0 1 1 0 1, टोटल 8 बिट हो गई है। ठीक है, हाँ, तो अब अगर मुझे कोई पैरिटी बिट डालनी होती, मैं चाहे स्टार्टिंग में डालूं चाहे एंड में डालूं, चलो मैं स्टार्टिंग में डालता हूँ, तो आप मुझे बताओ हमें कितनी वैल्यू क्या होगी उसकी। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ वंस देख लेंगे, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 वन है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, समझ रहे, दैट इज सिंपल पैरिटी चेक कोड। और हम इवन का केस लेके चल रहे हैं, एग्जाम में ऑड का केस भी आ सकता है, बाय डिफॉल्ट जनरली हम लोग इवन ही लेके चलते हैं, अगर ऑड का केस आएगा तो आप प्लीज यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस के हिसाब से हम यहाँ पे 0 भर लेते हैं, समझ रहे हो ना, या तो इवन पैरिटी चलती है या ऑड पैरिटी चलती है, जनरली इवन ही चलती है, बट अगर क्वेश्चन ऑड के हिसाब से आएगा तो आप ऑड पैरिटी के हिसाब से भी आंसर निकाल सकते थे। तो अगर मैं यहीं पे आपको बोल दूं कि ऑड पैरिटी के हिसाब से काम करना था, तो आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे, हमने लास्ट में हमने पैरिटी भी डाली थी ना, तो ऑड पैरिटी के हिसाब से यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वंस ऑड रखने हैं, दैट्स इट। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, दैट इज सिंपल पैरिटी चेक कोड। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी मुझे बताओ, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा अगर मैं पैरिटी चेक कोड लगाऊं, चाहे इवन चाहे ऑड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्टार्टिंग में लगाऊं चाहे एंड में लगाऊं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब चीजों से भी। मैं सिंपल बात करता हूँ कि अगर मैंने सिंपल पैरिटी चेक कोड लगाया, मतलब मैंने 1 एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट डाली है चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंड में, और हमने चाहे इवन पैरिटी बनाए चाहे ऑड पैरिटी बनाए, हमें इससे भी कोई फर्क नहीं है, सिंपल पैरिटी चेक कोड में मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा, बस मेरा ये क्वेश्चन है। तो देखो मैं मानता हूं कि हमने इवन पैरिटी बनाई और हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ओके, मतलब पैरिटी बिट लास्ट में डाल रहे हैं, तो वैल्यू विल बी हेयर 1 1 एंड 0। ठीक है, ओके, तो अब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हम लोग कैसे देखेंगे, देखो पहले तो ये समझो, अगर हमारे ये तो डेटा वर्ड है ना, ये हमारे सारे डेटा वर्ड हैं और हमने लास्ट में पैरिटी बिट डाली है, तो ये सभी डेटा वर्ड्स हैं। अच्छा, तो अगर मैं हैमिंग डिस्टेंस देखना चाहूं तो इस डेटा वर्ड और इसमें कितना हैमिंग डिस्टेंस है, ऑब्वियसली 1 का गैप है तो 1 हैमिंग डिस्टेंस है, इन दोनों में देखूंगा तो 2 का गैप है, इन दोनों में 2 का है, इन दोनों में 1 का गैप है, एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस में कितना बोलूंगा, यहाँ पे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस विल बी 1। 0 के बारे में मत सोचना, 0 हैमिंग डिस्टेंस होने का मतलब डेटा वर्ड एकदम सेम, मतलब
एकदम सेम है, एकदम सेम तो कभी हो ही नहीं सकते ना, तो एक एक का तो गैप आएगा ही, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पे 1 है। अच्छा अब एक बात ये सोचो, अगर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 1 है तो मैं कितने बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता हूँ? मैं एक भी एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा गारंटी से। क्यों? क्योंकि अगर आपने 00 भेजा और बाय चांस वहां पे 01 रिसीव हो गया, तो 01 भी तो एक किस्म से वैलिड कोड वर्ड हो जाएगा, समझ रहे हो ना? मैं ये पैरिटी बिट नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं बिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब यू कैन से कि हम कोड वर्ड बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ डेटा वर्ड को ही भेजते जा रहे हैं एज इट इज, हमने कोड वर्ड नहीं बनाया। तो अगर आपने सिंपल डेटा वर्ड ही भेजे, आपने 00 भेजा और 01 रिसीव होगा, तो पक्की बात आपको लगेगा ये भी वैलिड ही है, तो हम एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए फिर हमने पैरिटी बिट डाली है। अच्छा अब एक बात ये सोचो, अगर हमारे पास डेटा वर्ड 00 है तो उसके साथ हमने पैरिटी बिट क्या डाली है? 0। और अगर हमारे पास डेटा वर्ड 01 है तो हमने पैरिटी बिट क्या डाली है? 1। कारण बता सकते हो? कारण ये है कि हमें नंबर ऑफ वंस इवन रखने थे, तो इस चक्कर में यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन थे ऑलरेडी थे तो हमने 0 भर लिया, यहाँ पे ऑड थे तो हमने 1 भर लिया। तो एक हैमिंग डिस्टेंस तो हमारे पास यहाँ से आ गया, मतलब जो एक्चुअल डेटा वर्ड थे, और एक हैमिंग डिस्टेंस एक्स्ट्रा मेरे पास पैरिटी बिट के कारण आ गया, समझ रहे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास 2 का रहेगा। तो अगर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 का रहेगा तो गारंटी है कि मैं एक बिट एरर को डिटेक्ट आराम से कर पाऊंगा, ठीक? अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे बोल रहा हूँ ये सब बातें, तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का, उसमें मैंने ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है? ओके तो खैर ठीक है, हमें समझ में आएगा कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस विल बी 2। ओके तो मैं फटाफट पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ। तो देखो, वन एक्स्ट्रा बिट कॉल्ड पैरिटी बिट इज एडेड टू द डेटा वर्ड टू मेक टोटल नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड एज इवन, सम इम्प्लीमेंटेशंस मेक वन एज ऑड ऑल्सो, ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस विल बी 2, ये चीज भी हमने अभी देखी, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 का रहेगा, हेंस इट कैन डिटेक्ट 1 बिट एरर, ठीक है? तो 1 बिट एरर को डिटेक्ट आराम से कर सकता है। बट एक खास बात इसकी और है, एक खास बात क्या है, ऐसे समझो जैसे यही हमारा डेटा था, ठीक है? दिस इज आवर डेटा वर्ड, और हमने वंस को इवन करने के चक्कर में स्टार्टिंग में पैरिटी बिट डाल दी और हमने 1 भर लिया उसको, ठीक है? तो फाइनली हमारे पास नंबर ऑफ वंस इवन होंगे। अब अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ एरर्स हुए, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ एरर मतलब 1 एरर या 3 एरर्स या 5 एरर्स, मतलब 5 बिट में एरर हुआ या 3 बिट में या 1 बिट में या 7 बिट में, कितनी भी बिट्स में एरर हुआ, बट ऑड नंबर ऑफ एरर्स हुए, तो पक्की बात है ऑड नंबर ऑफ बिट्स मेरी अफेक्ट होंगी। अगर ऑड नंबर ऑफ बिट्स इफेक्ट होंगी तो पक्की बात है इसकी पैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब इवन पैरिटी थी तो वो पक्की बात है ऑड पैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर मैं ऑड पैरिटी सेट करके चलता हूं तो पक्की बात है वो इवन पैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, देखो जैसे हमारे पास ये है, हमने इवन पैरिटी माना हुआ ना, टोटल ये 9 बिट का डेटा है और इवन पैरिटी है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे कोई भी 3 बिट इफेक्ट करता हूँ, एनी 3 बिट्स जो मर्जी बोलो आप, चाहे ये बिट ले लेता हूँ, एक ये बिट ले लेता हूँ और एक ये बिट ले लेता हूँ, अगर मैंने इनको इफेक्ट किया तो इफेक्ट करने का मतलब क्या होगा? एरर हुआ, एरर मतलब इनको उल्टा कर लो, 0 बना लो, तो 1 का 0 बन जाएगा, इस 0 का 1 बन जाएगा, अगली एज इट इज, और ये 0 बन जाएगा और 101 आ जाएगा। तो अब जब आप इनमें नंबर ऑफ वंस देखेंगे तो 1 2 3 4 5, पक्की बात है ऑड नंबर ऑफ वंस आएंगे, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ एरर हुए हैं और हम इवन पैरिटी लेके चल रहे थे, तो थोड़ा टेक्निकली बोलो तो इवन माइनस ऑड इज ऑड, ठीक है? तो फाइनली ऑड नंबर ऑफ वंस मेरे पास आएंगे और मैं बोल दूंगा कि इसमें एरर है, तो हमने एरर को डिटेक्ट कर लिया। तो समझ रहे हो, जितने अगर ऑड नंबर ऑफ एरर्स होंगे तो मैं वो सभी एरर पकड़ लूंगा। तो 1 बिट एरर ऑब्वियसली ऑड है तो हमने पकड़ लिया, 3 बिट का एरर होता तो वो भी मैं पकड़ लेता, 5 बिट का एरर होता वो भी मैं पकड़ लेता, एंड सो ऑन। अब प्लीज ये कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं आने चाहिए, वैसे तो बहुत बेसिक सी बात है, मैंने इवन पैरिटी मानी है तो मैंने बोल दिया कि ऑड नंबर ऑफ एरर डिटेक्ट होंगे, और अगर मैं ऑड पैरिटी मानता तो भी मैं ऑड नंबर ऑफ एरर ही डिटेक्ट कर पाता, इवन नंबर ऑफ एरर में डिटेक्ट ना कर पाता, क्योंकि आप समझ रहे हो अगर ऑड पैरिटी है तो ऑड माइनस ऑड इज इवन। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऑड पैरिटी है और अगर ऑड नंबर ऑफ एरर्स हुए तो कंफर्म है मेरे पास नंबर ऑफ वंस यहाँ पे इवन आ जाएंगे, ठीक है? समझ पा रहे? थोड़ा मैथमेटिकल है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ आ रहा तो प्लीज अपने आप से आप एग्जांपल लेके देखो, आपको अपने आप से समझ में आएगा। बस मेन बात याद रखना, चाहे इवन पैरिटी हो चाहे ऑड पैरिटी हो, कोई भी केस हो, हम सिर्फ ऑड नंबर ऑफ एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे, इवन नंबर ऑफ एरर को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक? ओके तो यही मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है कि इट कैन डिटेक्ट ऑल ऑड नंबर ऑफ एरर बट कांट डिटेक्ट इवन नंबर ऑफ एरर्स, ठीक? ओके।